You're a superhero. गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू फास्ट फोटो चेंजिंग स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस ऐसा वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की। अगर आपको काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ, बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो यार वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, खास करके ये स्टेटस को बनाने में। ओके सो यार वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ कमेंट भी कर देना। सो अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। अब गाइस देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसा ही करना, आपका वीडियो पूरा परफेक्ट बन जाएगा। ओके सो सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का साइज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको 0.2 सेकंड रखना है। ओके इससे ऊपर मत रखना। ओके 0.2 सेकंड रखना है और आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन खुल जाता है, तो आपको कोई भी अपना फाइल में जाना है और आपको यहाँ पे अपनी फोटोज़ को एडिट करना है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो है ना, मतलब इस वीडियो बनाने के लिए जो फोटो यूज होने वाला है बहुत ही ज़्यादा फोटो यूज होने वाला है। ओके सो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप पूरा मतलब 30 सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो इस सॉन्ग पे तो आप 90 इमेज के आसपास सेलेक्ट कर लेना, समझ रहे हो 90 इमेज के आसपास अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना अगर आपको पूरा वीडियो बनाना है तो। बाकी मैं अपना फोटो को एडिट कर लेता हूँ, आप अपना फोटो को जल्दी जल्दी एडिट कर लो। ओके सो गाइस मैंने अपनी फोटो को एडिट कर लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा फोटो है, मतलब 0.2 सेकंड के लेंथ पे इसलिए आपको कम लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सारा है, मतलब 90 के आसपास तो है। ओके तो आपको फोटो एडिट कर लेना, जैसे आप फोटो को एडिट कर लोगे फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। अब देखो इतना फोटो को एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट दे दूंगा तो आप वीडियो बना लेना। ओके मतलब आप समझ ही जाओगे। सो सबसे पहले आपको इस सॉन्ग वीडियो को एडिट करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आपको यहाँ पे इस सॉन्ग वीडियो को एडिट करना है। ओके सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके एडिट कर लेना। फिर आपको नीचे आना और यहाँ पे इस ट्रैक ऑडियो पे क्लिक करना है और इसका ऑडियो निकल जाएगा, फिर आपको इस वीडियो को डिलीट कर देना है, ऐसे इस वीडियो डिलीट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस इतना कर लेने बाद फिर आपको इसको थोड़ा आपको जूम कर लेना, जैसे आप इसको जूम कर लोगे सो देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारा मतलब जो फोटो है वो बहुत ही हार्ड एडिटिंग है ये। ओके सो आपको करना क्या है, पहला इमेज का लेंथ बढ़ा के आपको 1.16 सेकंड की मतलब 6 सेकंड के आसपास कर देना है पहला इमेज जो हमारा है, क्योंकि यहाँ से हमारा बीट स्टार्ट नहीं है तो इसलिए हम पहला इमेज का लेंथ बढ़ा के यहाँ तक रख लेंगे। ओके सो गाइस देखो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, मतलब 1.6 सेकंड के आसपास पहला इमेज का लेंथ मैंने रख दिया। ओके सो इतना करना, इतना करने बाद आपको करना क्या है तो उसको थोड़ा जूम कर लेना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, मतलब आपको आगे जाना है, तीन इमेज को छोड़ना है। ओके यहाँ पे देखो 1, 2, 3 इन तीनों इमेज को छोड़ देना है, उसके बाद आपको आगे जाना है और जो चौथा इमेज है ना, ये छोटा जो इमेज है चौथा नंबर मतलब 4 नंबर का जो इमेज है इसका लेंथ बढ़ा देना है इस प्रकार से, इसका लेंथ आपको 0.8 सेकंड के आसपास बढ़ा लेना। ओके जो आगे जो बीट है ना उसके थोड़ा स्टार्टिंग जो है ना यहाँ पे बीट के स्टार्ट में जाके इसको रख देना। ओके सो फिर आपको तीन इमेज को छोड़ना है इस प्रकार से और जो चौथा इमेज रहेगा इसका लेंथ बढ़ा के आपको उसी प्रकार से उतना ही लेंथ बढ़ाना है। ओके 8 मेरे हिसाब से 0.8 सेकंड इतना ही लेंथ बढ़ेगा हमारा, तो इस प्रकार से बढ़ाना। फिर आपको तीन इमेज को छोड़ना है और चौथा इमेज का लेंथ बढ़ा के इस प्रकार से वहाँ पे बीट के आसपास लेके चले जाना, मतलब इमेज का लेंथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गौर से, तो वहाँ पे 800 सेकंड आपको दिखाई देगा, तो इस प्रकार से आपको लेंथ बढ़ा लेना है। ओके तो आप इस प्रकार से लेंथ को बढ़ा लेना। सो गाइस आपको इस प्रकार से लेंथ को बढ़ाना है लेकिन कहाँ तक बढ़ाना है, 26.800 सेकंड के आसपास ही बढ़ाना। ओके 26.800 सेकंड के आसपास जैसे आप लेंथ पहुँच जाओगे उसके बाद आप इस प्रकार से मत बढ़ाना। ओके तो गाइस पहले मैं वहाँ तक बढ़ा लेता हूँ लेंथ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 26.700 या 800 सेकंड तक आपको इस प्रकार से करना है। ओके तो यहाँ इधर अगर आप देखोगे तो मैंने उसी प्रकार से किया है, तीन इमेज को छोड़ा और चौथा इमेज का लेंथ बढ़ाया है। ओके तो आपको भी इसी प्रकार से करना है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या आगे, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो इधर हमने तीन इमेज को छोड़ा था, मतलब पहले इधर हम तीन इमेज को छोड़ रहे थे लेकिन इधर हम तीन नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4, 5
छः इमेज को हम छोड़ रहे हैं, ओके छः इमेज को हम छोड़ देंगे इसी लेंथ पे 0.2 सेकंड पे, जो कि 28.2 सेकंड तक है। उसके बाद जो इमेज है 28.300 सेकंड पे, इसका लेंथ हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आगे जो बीट आपको दिखाई दे रहा है इस बीट का स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका लेंथ जो है ना इन पोजिशन लेके आ जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से इसका भी लेंथ बढ़ाएंगे आगे जो इमेज है, और इसका भी इस प्रकार से बढ़ाएंगे और थोड़ा थोड़ा लेंथ यहाँ पे बढ़ेगा। मैं इधर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब 0.800 सेकंड बढ़ा दो, 0.400 सेकंड के आसपास 300 कुछ रहेगा, तो उस प्रकार से इतना ही लेंथ आपको बढ़ाना है इधर, ओके। तो इधर देख सकते हो और मेरे हिसाब से कुछ इमेज बच गया है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मतलब इतना सारा फोटो एडिट करने में थोड़ा इधर उधर तो हो ही सकता है ना, तो मैं इस फोटो को डिलीट कर देता हूँ, ओके। सो देखो गाइस, हमारा जो काम था फोटो मतलब ट्रिम करने का वो तो हो चुका है, ओके। तो आई होप कि आपको इतना फोटो ट्रिम करने का जो मेन काम है वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो बहुत ही अच्छा। सो अब आपको करना क्या, अपनी इमेज में क्लिप ग्राफिक्स को एडिट करना है। अब देखो गाइस, आपको 3 या 4 क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना होगा, 4। पहला है इन एनिमेशन, दूसरा है ओवरऑल एनिमेशन 4, तीसरा है कॉल मी डीजे, चौथा हेलोवीन पार्टी, ओके। तो देखो गाइस, कॉल मी डीजे और हेलोवीन पार्टी आप बीट सिंस ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो, आपको काइन मास्टर में नहीं मिलेगा। अगर आपको बीट सिंस ऐप से क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहते जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। और गैस, इन एनिमेशन और ओवरऑल एनिमेशन कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको अपनी इमेज पे टैप करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे बॉक्स आइकन पे क्लिक करना है। जैसा आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एनिमेशन दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको इन एनिमेशन दिख जाता है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। और एक होगा आपको ओवरऑल एनिमेशन 4, ओके, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। सो गैस, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये वीडियो बहुत ही लंबा जाने वाला, ओके। अब देखो गाइस, मैं पूरा तो बता नहीं सकता, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो मैं शॉर्ट कोड में आपको अच्छे से समझा देता हूं, तो आप समझ जाना अच्छे से थोड़ा गौर से। सो आपको करना क्या है, पहला इमेज में तो इन एनिमेशन से आपको 33 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना। तो आपको प्रीव्यू में देखा तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा क्लिप ग्राफिक्स है, ओके। तो इसको क्लिप ग्राफिक्स का जो लेंथ है इस प्रकार से बढ़ा देना, ये येलो येलो जो रहेगा इसका भी लेंथ बढ़ा देना, बिकॉज नहीं तो आधा इमेज में क्लिप ग्राफिक्स रहेगा आधा में नहीं रहेगा, ओके। इतना आपको कर लेना है, इसमें बाद में हम फ्रेश वेयर लगाएंगे, ओके। सो अब आपको करना क्या है, देखो गाइस, जिस प्रकार से हमने ट्रिम किया था उसी प्रकार से हम क्लिप ग्राफिक्स भी एड करेंगे, वहीं तक 26.800 सेकंड तक, ओके, उसी प्रकार से। तो आपको करना क्या है, जो छोटा छोटा 3 इमेज रहेगा इसमें आपको कॉलिमी डीजे से 1 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है, बोले तो कॉलिमी डीजे से 1 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को इस प्रकार से, ओके। हमारे जो छोटा छोटा 3 इमेज है जिसको हमने छोड़ दिया था, इसका लेंथ हमने नहीं बढ़ाया था, ओके। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका जो लेंथ है इस प्रकार से आपको यहाँ से बढ़ा देना है। उसके बाद जो इमेज आता है जिसका लेंथ हमने बढ़ाया था 0.800 सेकंड किया था, इसमें आपको क्या करना है, एक क्लिप ग्राफिक्स एड करना है ओवरऑल एनिमेशन 4 से, आपको ये 9 नंबर वाला एड करना है इस प्रकार से। और हाँ गाइस, क्लिप ग्राफिक्स का लेंथ इस प्रकार से बढ़ाना, ओके। तो मैं आपको मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आए। तो इस आप क्लिप ग्राफिक्स एड करोगे तो आप देखना यहाँ पे आपको येलो येलो दिखाई देगा, तो इसका भी लेंथ बढ़ा के आपको जहाँ तक आपका इमेज है वहाँ तक कर देना, तब जाके आपका पूरा इमेज में क्लिप ग्राफिक्स लगेगा, क्योंकि इसको हमने कम इमेज में मतलब कम लेंथ में एड करके इमेज को उसका लेंथ बढ़ाया, इसलिए क्लिप ग्राफिक्स थोड़ा आधा इमेज में लगता है, ओके। सो गाइस देखो, इस प्रकार से मैंने जो 4 इमेज में आपको करके दिखाया, इसी प्रकार से आपको 26.700 सेकंड तक करना है, ओके। मतलब जो 26.800 सेकंड तक जो हमने किया था, इसी प्रकार से करना है। जो छोटा छोटा इमेज रहेगा इसमें आपको कॉल मीडिया से 1 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है, और जो भी इमेज का लेंथ हमने बढ़ाया था उसमें आपको ओवरऑल एनिमेशन 4 से आपको वही 9 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैंने आपको क्या बताया है। इस प्रकार से आपको 26 सेकंड तक करना है, तो मैंने आपको बता दिया, तो फिर आप अच्छे से थोड़ा समझ जाना, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको उतने अच्छे से समझाने के लिए बैठ जाऊँ तो, ओके। तो इसका लेंथ आप जरूर से बढ़ाना इस प्रकार से। अब गाइस देखो करना क्या है, इधर आपको 26 सेकंड तक इस प्रकार से एड करते जाना, ओके। जिस प्रकार से हमने इमेज को एड किया उसी प्रकार से क्लिप ग्राफिक्स को भी एड कर लेंगे। और गाइस 26 सेकंड के बाद देखो, 26 सेकंड के बाद जो भी छोटा छोटा इमेज का लेंथ है ना, मतलब सॉरी गाइस, मतलब छोटा छोटा लेंथ का जो इमेज है इसका, मतलब इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अगर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, मैंने तो कुछ भी ऐड नहीं किया था। उसके बाद जिसका लेंथ हमने बढ़ाया था उन सारे इन इमेज में, सो गाइस इन सारे इमेज में जो हम क्लिप ग्राफिक्स ऐड करेंगे उसका नाम है हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स, ओके। सो इस वाले क्लिप ग्राफिक्स को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। हेलोवीन पार्टी तो आप डाउनलोड कर सकते हो कॉल मी डीजे, सॉरी गाइस, बीट सिंस ऐप से ही, तो आप डाउनलोड कर लेना। सो इसमें से जो 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स है वहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। लास्ट टाइम जो हमने इमेज को लेंथ बढ़ाया था यहाँ से 28 सेकंड से, तो उन सारे इमेज में आपको लास्ट जितना भी इमेज है सभी में आपको इस प्रकार से हेलोवीन पार्टी से जो है 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को ऐड करना है। और अगर इस क्लिप ग्राफिक्स का लेंथ भी फुल कर देना है, इसमें भी क्लिप ग्राफिक्स का लेंथ आधा रहेगा, ओके, बिकॉज इसका भी लेंथ हमने बाद में बढ़ाया था इस इमेज का भी। सो इस प्रकार से आपको कर लेना है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना है, ओके। सो गाइस इस प्रकार से आप पूरा इमेज में क्लिप ग्राफिक्स एड कर लेना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या बताया। उसके बाद आपको शुरू में आना है, सबसे शुरू में लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको इधर इमेज पे क्लिक करना है।
जैसे इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको एक ब्लैक कलर का इमेज या कोई भी कलर का इमेज सेलेक्ट करना है, इसका साइज़ इस प्रकार से बढ़ाना है और इसका लेंथ वहीं तक रखना है जहाँ तक अपना जो फर्स्ट इमेज है, ओके इस प्रकार से। और यहाँ पे जाना है आपको और कलर में, और इसमें कोई भी कलर आप लगा सकते हो, जैसे मैंने ग्रीन लगाया था, इस प्रकार से आप ग्रीन लगा सकते हो। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको सिंपली मल्टीप्लाई या ओवरलाई कर देना, मेरे हिसाब से आप मल्टीप्लाई करना। उसके बाद इसका जो ओवरऑल एनिमेशन है इसको जाके आपको फ्लिकर कर देना है। फ्लिकर करने के बाद आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। सो गाइस देखो यहाँ पे आपको इस लाइट फिर वीडियो को एडिट करना है, इसका साइज इस प्रकार से बनाना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है, ओके। सो गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस मैंने वीडियो तो पूरा बनाया नहीं था, इसलिए मैं आपको प्ले करके भी नहीं दिखा रहा हूँ, उससे वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।